नमस्कार, मैं हूं दिमांजलि मोइत्रा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर गद्दा उठाया हुआ है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही। कमाई के मामले में तो अल्लू अर्जुन की ये फिल्म सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे स्टार्स को मात दे चुकी। वहीं अब लीजिए IMDb की रेटिंग्स के मामले में भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने सलमान खान की फिल्म अंतिम को मात दे दी। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, उनकी फैन फॉलोइंग से हर कोई वाकिफ है। उसके बाद भी साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन ने सलमान की अंतिम को रेटिंग्स के मामले में धूल चटा दी। बता दें कि पुष्पा को IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली, जबकि पिछले महीने रिलीज हुई सलमान और उनके जीजा आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम को 7.6 रेटिंग मिली। IMDb की रेटिंग से साफ हो गया है कि दर्शकों को सलमान खान की फिल्म अंतिम से ज्यादा पुष्पा पसंद आई। बता दें कि IMDb यानी कि इंडियन मूवी डेटाबेस पर ऑडियंस द्वारा रेटिंग्स दी जाती और दर्शकों ने पुष्पा पर ज्यादा प्यार लुटाया। बता दें कि पुष्पा को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है। अल्लू अर्जुन और सुकुमार की जोड़ी हमेशा से हिट रही। दोनों ने इससे पहले 2004 में आर्या और 2009 में ही उसके सीक्वल आर्या 2 में साथ काम किया था। फिल्म पुष्पा को दो भागों में बनाया गया। पहला पार्ट 17 दिसंबर को रिलीज हो चुका है और दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा। तेलुगु में बनी ये फिल्म तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई। बताते चले कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते कई क्षेत्रों में सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ ही खुले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही। बात करें अंतिम की तो इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया। फिल्म में सलमान ने सिख पुलिस वाले का किरदार निभाया, जबकि आयुष गैंगस्टर के रोल में दिखे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शक दोनों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में पुष्पा और किस किस बड़े एक्टर की फिल्मों को धूल चटाती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।